हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ पिक्टन में। पिक्टन छोटा सा टाउन है। सिडनी से पिक्टन आने में 1 घंटे लगते हैं और 4000 समथिंग लोगों की पॉपुलेशन है यहाँ पे। और मैं अभी जहाँ बैठी हूँ, आपने यहाँ पे देखा ना कितने सारे बैट्स, मतलब चमगादड़ कितने सारे हैं। पूरा ये एरिया उन्हीं का है। और ये बैकग्राउंड में है वायाडक्ट, रेलवे का एक ब्रिज बनाया हुआ है यहाँ पे, पुराना कुछ। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कैसा है ना, काफ़ी सारी चीज़ें क्लोज है आज तो, लेकिन अब हम लोग आए हैं तो कुछ तो देख के जाएंगे। बट ये जगह अच्छी है। और यहाँ यहाँ पे इतनी आवाजें कर रहे हैं। ये छोटा सा ही ब्रिज है लेकिन बहुत ही सुंदर है। तो इस एरिया में आप कहीं भी घूमो, चारों तरफ चमगादड़ ही चमगादड़ दिख रहे हैं। और इतनी तेज इनकी आवाज है। इस ट्री पर भी देखिए कितने सारे लटके हुए हैं यहाँ पे। हम लोग ब्रिज के दूसरी साइड आ गए हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में दिखाती हूँ। ये पीछे अज्जू जा रहा है। क्या है वहाँ पे, क्या है? चलिए फिर थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। हम लोग अभी पिक्टन से निकल के, अब पिक्टन में ऐसा कुछ अब था नहीं क्योंकि सारी चीज़ें क्लोज ही हैं, तो हमने सोचा यहाँ पास में एक न्यू साउथ वेल्स रेलवे म्यूज़ियम पड़ता है, वो जाके देखेंगे। हम लोग कई साल पहले यहाँ पे आए हैं, पर कई साल हो गए उस टाइम, बहुत अच्छा लगा था उस टाइम। और अगर आपके पास बच्चे हो ना, बच्चों को मज़ा आता है इसको देखने में, जब उनकी वो ट्रेन्स और टॉय ट्रेन वगैरह खेलने की जब एज होती है, तो जब यहाँ पे देखते हैं तो उनको बहुत रियल सा फील होता है, तो बच्चों को मज़ा आता है, बच्चों को दिखाने लायक बहुत अच्छा है। तो कई साल पहले आई थी पर मैं उस समय वीडियोस भी नहीं बनाती थी, तो हमने सोचा कि यहाँ भी चलते हैं और आपको भी दिखाऊंगी कैसा है ये रेलवे म्यूज़ियम। तो ये अच्छा है। और पिक्टन से हम लोग वापस आ गए। पिक्टन में अब कुछ ऐसा बचा नहीं था जो वहाँ पर रुक के देखा जाए, तो चलिए अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है ये म्यूज़ियम। ये है मेन गेट उसका, सारे दिन खुला रहता है ये। हाँ, तो ये देखो ना, ये पुराने। उसके पर्स ही जैसा लग रहा है पीछे, है ना? And that's Clarabelle. Wow, ये डोर अच्छा है, स्लाइड वाला नहीं है, पूरा खुल जाता है। ये लेटर्स वगैरह लेके जाते हैं एक जगह से।
If we're late into Yas, we'll be late for every stop after that, and our timetable becomes a mess. The regular run. I understand, yes. So the local train stops at those stations anyway, so it's more efficient than us stopping. You got it, Johnny. Now think about it. लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे तो ये जो ट्रेन है ना पीछे, ये मेरे पीछे, इसी के सामने हमने एक पिक खिंचाई थी। सही में टिकट फिर किस लिए लिया? ये जो पीछे ट्रेन है, ये वाला, ये है एनिमल्स को कैरी करते। कोविड की वजह से कई अंदर जाने से इन्होंने कई जगह बंद कर रखा हुआ है, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो कई ट्रेन्स अंदर से ओपन थी, तो आप अंदर जाइए, एक्सप्लोर करिए, बैठिए। ये वाली जो ट्रेन है ना, आपको मैं स्लीपर कोच दिखाती हूँ, अंदर नहीं जा सकते, मैं बाहर से ही दिखाऊँगी आपको विंडो से लेते हुए। ये देखिए, इसमें बेड वगैरह भी सब लगा हुआ है। मैं बैक कैमरा खोल रही तो अगर आप यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे आपको हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट है कि पास्ट में किस तरह से लोग ट्रेन से ट्रैवल करते थे, क्या क्या सिस्टम होता था, आके काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। ये है स्लीपर कोच और ये इसमें है, चलो। हाँ, स्लीपर ट्रेन है और नीचे देखिए सामान रखने के लिए भी बना हुआ है। वो इसको ओपन करके इसी में अपना लगेज रख सकते हो, ऊपर सोइए। ये सीढ़ी भी लगी हुई है और यहाँ पे बेसिन है चाय वगैरह पीने के लिए। ऐसा दिखता है पीछे से। ट्रेन ड्राइवर ये है ड्राइवर का सीट, यहाँ वो बैठता होगा ट्रेन ड्राइवर। ये देखिए, यहाँ पे एक पिकनिक एरिया भी है, ये मेरे पीछे बैकग्राउंड में। एनिमल्स को मार्केट तक पहुंचाने के लिए ये ट्रेन्स यूज होते थे। ये एनिमल वाला है, राइट। इसमें देखो लकड़ी के वो कैरिज बना रखे हैं शीप के लिए। ओके, हाँ तो ये उस टाइम का है, देखो 1959 में यूज़ होता था ये। 1959 टू 1968 में ये यूज़ करते थे ट्रेन, शीप्स को ले जाने के लिए मार्केट तक पहुँचाते थे। और ये जो है, ये कोल ले जाते थे। बस इतना ही गाइस, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।